अमृतसर केसरी पेज देखने वाले सारे ही दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों इस वेले अमृतसर के प्रेस क्लब के नवे बने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवार जी पहुंचे हुए हैं। तो पहला असीं तुहानूं तस्वीरां भी दिखा रहे हैं, तुसीं देख सकते हो कि पूरे ही जिहड़े अमृतसर के पत्रकार ने वो भी इत्थे पहुंचे हुए हैं। तो उन्हां दे नाल अज्ज इक मीटिंग की गई है, तो जिहड़े पत्रकार ने उन्हां दे वल्लों मुश्किलां भी दस्सियां गईयां। तो पूरियां तस्वीरां तुहानूं असीं अमृतसर के प्रेस क्लब दीआं दिखा रहे हैं। तो इस वेले तुसीं वेख सकते हो कि अमृतसर के प्रेस क्लब के प्रधान राजेश गिल जी साडे नाल ने। तो सर की कहना चाहते हो, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अज्ज इत्थे पहुंचे ने, बड़ा भागा महसूस करते हैं कि इत्थे आए ने। सब तो वड्डी गल साडियां लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स जिहड़ियां ने उहदे विचों इक ते सीगी जिहड़ा कि इहदी रेनोवेशन दा काम। रेनोवेशन का कुछ काम होया है, एमपी साहब वालों, औजला साहब वालों कुछ फंड मुहैया किए गए थे, तो रेनोवेशन का कुछ काम होया। मैचिंग अमाउंट की लोड़ सी, चेयरमैन साहब ने रिक्वेस्ट की और बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन। देखो सब तो वड्डी गल होंदी यही होंदी है कि एक पॉलिटिशियन भी है, इस वेले एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो यह बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया इन्होंने इस गल के उत्ते, बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पोंस दिता इन्होंने। जिहड़ी मैचिंग अमाउंट है ये इमीडिएटली सोमवार को ही इन्होंने कहा कि वह मेरे वालों रेडी है, वह कोई गल नहीं है, वह कोई चक्कर नहीं। दूसरी वड्डी डिमांड जिहड़ी साडी इह सी कि जिहड़े देखो साडे पत्रकार ने मोस्टली हैंड टू माउथ ने, ते 90% अजिहे पत्रकार ने। मैं सिर्फ अमृतसर दे रिपोर्टर दी गल नहीं करांगा, पंजाब भर दे विच आपां जे देख लईए, होरनां थावां ते वी जे आपां देख लईए, तां उह जिहड़े पत्रकार ने 90% जिहड़े आ कोई रेंट ते रहि रहे, कोई किते रहि रहे, किसी मजबूरी च रहि रहे, घर नहीं अपने, जिहड़ा कि सब तों वड्डा इक सुपना हुंदा कि अपना घर होना बहुत जरूरी है। लोगों वास्ते असीं भजदे फिरदे हाँ, धुप नहीं वेखदे, छां नहीं वेखदे, मीह नहीं वेखदे, नेरी नहीं वेखदे, पर कल्ले च जदों वापस आउणा हुंदा उह अपना नहीं हुंदा। ये बड़ी वड्डी गल है, तो उसकी आप बेनती की है कि सानू जरा वा कोई फ्लैट्स बना के वो सानू हैंडओवर किए जाए ईजी इंस्टॉलमेंट्स के, नो प्रॉफिट नो लॉस के गवर्नमेंट रेट्स के उत्ते सानू वो मुहैया कराए जा। और वो भी मंग इन्होंने जी तुसी गल करोगे हुणे तुहानू दस देंगे सारा कुछ कि वो भी इन्होंने बिल्कुल हाँ पक्षी इन्हों का हुंगारा वा, और ताकि ये जो सुपना वा ये किसी का सुपना ना रह जाए, ये ड्रीम पूरा जरूर होना चाहिए। मैं एक बार फिर इन्हों का बहुत अमाउंट की गल की गई है, तो कितनी अमाउंट आ रही टोटल? देखो साडे वालों एक तो एसटीमेट बनया सी इन्हों तो, जो प्री डिसेसर जो इन्हों के चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट डी साहब थे सुदन साहब, उन्होंने वालों PWD को एक एसटीमेट बनाया गया सी, उसका 12.5 लाख रुपया अमाउंट आ गया सी, 12.5 लाख बाकी सी, वह भी समझ लो सानू आ गया। हुण चेयरमैन साहब ने जिदा गल की है वो सानू आ गया। हुण एक साडा सब तो वड्डी गल है कि जदों ये विधानसभा दे विच मता पास होया सीगा इस प्रेस क्लब का, तो 5 करोड़ रुपया अलॉट किया गया सी प्रेस क्लब वास्ते, इस प्रेस क्लब वास्ते। हुण उदों दी सरकारां ने बना दिता होता जिहड़ा सीगा स्टैंड करता इहनूं, ते पर वो सिर्फ 2.25 करोड़ रुपया खर्च होया। इहदी बिल्डिंग इस वेले बनी नजर आ रही है, जबकि 3.25 करोड़ सरकार कोल साडा पेंडिंग है। वो भी इन्हों को आप डिमांड रखी है, मंग रखी है कि क्योंकि सरकार इन्हों हूँ ये परसू कर सकते हैं, इन्होंने CM को मिलना ही है, CM को भी डिमांड, इन्होंने सारा कुछ रिटर्न अभी मंग पत्र देवे कि वह लैके तो भी मंग जी पूरी तरह। साडा मकसद ये कि इहदा प्रेस क्लब अमृतसर के एक बहुत वड्डा असैट है, और तुसीं अज देखो सारे ही तकरीबन अदारियां दे सारे पत्रकार वीर है, भावें इलैक्ट्रॉनिक दे आ भावें प्रिंट दे आ, सारे अज इत्थे पहुंचे आ इन्नी गर्मी दे विच, और देखो हुण तक खड़े इन्नी गर्मी दे कारण, ते इहदा मतलब सारिआं दा सुपना जिहड़ा वा ये बहुत वड्डा सुपना वा कि एक ते प्रेस क्लब जिहड़ा वा वो चलंत हालत दे विच होए, वधिया तरीके नाल होवे चले, जिहदे विच इह वी इक इहनां दा अपना घर है जिथे आके सारे दिन की थकान लाउणी है आके इत्थे बह सकन, क्योंकि इत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर वधिया वा। दूसरा जिहड़ा घर दी डिमांड आ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ?
मैं दसा गया कि 25 लाख रुपया रिलीज होया सी, 12.5 लाख रुपया हो गया, करीब 12.5 लाख पेंडिंग है। तो मैं प्रेस क्लब नू यकीन दवांदा तो इन्होंने मैं सोमवार मंगलवार जो थोड़े को कन्वीनियंट हो काम तो मैं इमीजिएटली कर दवांगा, रिलीज करांगा उस फंड नू। बैक साइड ते पार्क हैगा, लैंडस्केपिंग होनी है और राइट हैंड साइड ते एना पूल है। जो जिदा जिदा ट्रस्ट को पैसे आएंगे आवी करावांगे, आवी मैं इन्हां नूं कहा है, लेकिन धीरे धीरे इन मैं इंप्लीमेंट करांगा आज चीज नूं। और सब तो बड़ी डिमांड सी कि कह रही सी कि 90% पत्रकला को अपनी करनी है, जिदा सारे किराए ते 90% लोग रह रहे हैं और इन्ना अच्छा काम पत्रकार सोसाइटी वास्ते कर रहे है, ते अपना कर तो होना चाहिए, ए कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जिथे मैं समझदा ट्रस्ट एनजीओ जगह दिंदी है, दूसरिया नू जगह दिंदी है, गुरुद्वारे मंदिरां नू, तो अभी सोसाइटी का काम कर रहे पिलर है। मेरे सामने तो सारे पंजाब च होना चाहिए कि एक प्रेस कलोनी बने, जो भी कोई नवी स्कीम अलॉट हो बने तो एक प्रेस वास्ते रखा जाए। आ गल मैं मान सब ना करांगा, जो अमृतसर लेवल ते मैं अपने लेवल ते कर पाया ओ जे जिद्दां भी मुमकिन होएगा ओ भी करांगा। सर करो तक ये सारे काम करवाए जाणगे जी तुहाडे वल्लों, बहुत सारियां उम्मीदां ने जी पत्रकारां दे वल्लों। देखो एक काम ते मैं इन्हां नूं कहता सो मंगलवारी कर लो, बाकी धीरे धीरे देखो प्रोसेस हैगा ओ जल्दी तो जल्दी आ नहीं है कि तुसीं को 2000 मैनूं कह रहे सी 2024 इलेक्शन तो पहला, मेरी अपनी दिली इच्छा ते मैं उस तो पहला करां, लेकिन देखांगे करांगे जल्दी तो जल्दी करांगे। मेरा अपना परिवार मैं इस तो ज्यादा नहीं कुछ कहता, सारे मेरा अपना परिवार। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ 6 ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਮਤਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।